नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा मल्टी कलर डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टीपल फंदे चाहिए, यानी हम ऐसे तीन तीन फंदे गिनेंगे तो लास्ट में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तीन 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 और तीन, ऐसे हमारे फंदे होने चाहिए। तो हमने सामने की तरफ से बॉर्डर बुन लिया है और अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो रॉन्ग साइड में हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये हमारे डिज़ाइन का बेस तैयार हो जाएगा। अब हम राइट साइड में है और ये डिज़ाइन का पहला लाइन है, तो यहाँ पे अब हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और दो फंदा सीधा बुन लेंगे। अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदा सीधा, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदा सीधा, यानी इन्हीं तीन फंदों को, दो फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करना है, इन्हीं तीन फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। दो फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है, दो फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करना है। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो स्लिप किए हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें दोहराना है, उनको अपनी ओर करना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर करना है और बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर वापस सामने की तरफ हैं, तो अब हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे। तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे सीधे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने दो फंदा बुना था तो इस लाइन में, जब दूसरे कलर का हम ऊन अटैच करेंगे तो इस लाइन में इस दूसरे वाले फंदे को स्लिप करेंगे और फिर अगले दो फंदे हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, बुने हुए फंदों में से एक फंदा हमने बुन लिया, दूसरा फंदा ये बचा है तो इसे हम स्लिप करेंगे। ये फंदा हमने स्लिप किया था तो ये फंदा और इसके आगे वाला फंदा, अगले दो फंदे ये हम सीधा बुनेंगे। देखिए, दूसरा फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। हम चाहें तो इसमें ढेर सारे डिज़ाइंस लगा सकते, ढेर सारे ऊन लगा सकते हैं, यानी बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना तीसरा पहला कलर जो है वो वापस लगा रही हूँ, तो पहले कलर से। अब देखिए, यहाँ पे एक ही फंदा है, यानी कि इस फंदे को हमें, देखिए ये हमने स्लिप किया है तो इसके आगे वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, यानी ये फंदा हम बिना बुने ऐसे सरका लेंगे। और नेक्स्ट फंदा देखिए, ये हमारा
स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे और इसके आगे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए, ये दो फंदों में से ये दूसरा फंदा है, यानी इसे हमें स्लिप करना है, और ये स्लिप किया हुआ फंदा था तो इसे हमें बुनना है और इसके आगे वाले फंदे को भी बुन लेना है। एक फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट दो फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट दो फंदा सीधा। तीन ही फंदे का ये डिज़ाइन है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा फंदा स्लिप करना है। और रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा हम सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे। बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे। स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेंगे। अब फिर हम अपने दूसरे कलर से को लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा दूसरा फंदा है, ये बुने हुए फंदों में से ये दूसरा फंदा है, यानी इस फंदे को हमें स्लिप करना है। तो इन दोनों फंदों को, ये स्लिप किया हुआ फंदा और उसके आगे वाला फंदा, दो फंदा हमें सीधा बुनना है। स्लिप किया हुआ फंदा और उसके आगे वाला फंदा, इन दो फंदों को हमें सीधा बुनना है और बुने हुए फंदे में से ये जो दूसरा फंदा है उसे हमें स्लिप करना है। डिज़ाइन बहुत आसान है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर देना है। तीन ही फंदे का ये डिज़ाइन है और दो ही लाइन का डिज़ाइन, और दो लाइन बुनने के बाद अगला दूसरा लाइन दूसरे रंग के उनसे बुना जाएगा, और हम ऐसे ही कलर बदलते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बुनने के बाद ये इस तरह का पैटर्न बनता चला जाएगा। तो आप इसे बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए इस डिज़ाइन को आप बनाइए, चाहे बच्चों में डालिए, चाहे लेडीज स्वेटर में डालिए, ये सब में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। यदि डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।